अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद और ठीक ठाक रखे। वेलकम टू हमारा मैं टीवी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकेंड रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी जो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग है, जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ आप वो देखेंगे। और उसके बाद मैं जी गई थी डिनर पे, फैमिली डिनर, क्योंकि आपको पता है जब ग्रोसरी पे इतने 3-4 घंटे सर्व कर दो, आप इतना थक जाते हो कि आपका दिल नहीं चाहता वापस आके कि आप खाना बनाएंगे। तो बच्चा पार्टी भी आई हुई थी अपने घर से, क्योंकि वीकेंड है तो फिर बच्चे ऑफ पे आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो जी ग्रोसरी के बाद अब हम चले जाते हैं डेरा पे। तो सबसे पहले आप ग्रोसरी की मेरी शॉपिंग देखेंगे और पीछे थोड़ी बहुत मेरी और उमैर की चिटचैट सुनेंगे। ये और आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ। मेन मैं शॉपिंग जो है मेन वो इम्तियाज से ही करती हूँ। चक्की वाला, गंदम वाला सारा। और अंकल ये वाला मिक्स होता है दोनों? ये भी चक्की वाला है, वो वाइट है। नहीं, जो लोग भी इम्तियाज ग्रोसरी के लिए जाते हैं आई एम श्योर वो एग्री करेंगे कि अगर आप इम्तियाज जाते हो तो जितनी ऑप्शंस इस टाइम इम्तियाज में अवेलेबल हैं वो ना आपको कारफोर पे मिलेंगी। वेजिटेबल्स का सेक्शन ले लो, मेडिकेशन ले लो, ग्रोसरी कर लो, कुछ भी कर लो, तो सारी चीज़ें। इसलिए मुझे ईजी रहता है इम्तियाज जाके ही सारी अपनी ग्रोसरी करना। समटाइम वेजिटेबल्स मैं वहाँ से नहीं लेती, क्योंकि मुझे मेन होता है वहाँ पर जाके मैंने बेल पेपर्स लेनी है। तो बल्कि इस दफ़ा मैं गई हूँ तो मुझे सिर्फ रेड वाली मिली है, वरना जब भी मैं जाती हूँ ऑरेंज और येलो दोनों अवेलेबल होती हैं। क्योंकि मेन वैसे मैं 2 मंथ्स की ग्रोसरी करती हूँ, समटाइम 2-3 मंथ्स की, ताकि मेरा आराम से टाइम। और वेजिटेबल्स तो आप डेली भी मंगवा सकते हो या रेगुलर बेसिस पे भी मंगवा सकते हो घर के पास वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ से। कितने? मैंने लाइफ में कभी भी चिकन, मटन और ये बीफ, फिश चीज़ों वगैरह की शॉपिंग, ये चीज़ें नहीं की थी कभी भी, ये वाली ग्रोसरी नहीं की थी मैंने। क्योंकि शादी से पहले ये सब मेरे अबू जी करते थे और शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ डैडी ये सब करते थे। तो जब से डैडी भी चले गए हैं तो और ये अब सब कुछ करने का मेरा और अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपको इतनी प्यारी लग रही सुनने को मिलेगी कि मैं किस तरह चीज़ों का पूछ रही हूँ। इसकी कटिंग करके इसका बचता क्या है? अच्छा, पूरा पीस ही होता है, हमेशा बोनलेस फिश ट्राई करती हूँ। लेकिन मुझे ये छोटी बेबी फिश इतनी क्यूट और प्यारी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसको लेके ट्राई करती हूँ। और मेरा दिमाग देखे, पहले मैंने अंकल को कहा ये बस मुझे 2 दे दे, फिर मैंने कहा इसकी तो बहुत ही छोटी सी है मैं क्या करूँगी, फिर मैं कहा अंकल चलो एक और ऐड कर दे, तो फिर मैंने ये 3 ली। अब इंशाल्लाह मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और फिर मैं देखूँगी मुझे इसका कैसा टेस्ट लगता है और फिर मैं और बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। ये कितना साइज हुआ है इनका? 44 ग्राम हुआ ना, ठीक है। और प्राइस किसकी कितनी हुई थी? नहीं, उसके बस उसका फेस कट करके देते हैं। बाजार में मैंने आज तक कभी फिश की ऐसे शॉपिंग नहीं की, क्योंकि अगर इतनी स्मेल होती है, इतनी स्मेल होती है वहाँ पे तो सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन इम्तियाज में एटलीस्ट इतना ये सब नहीं होता कि चाहे सेम प्लेस सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना होता है कि काबिल बर्दाश्त आप आराम से खड़े होकर अपना काम करवा सको आराम से कौन से। सही है। अंकल जी ने बहुत आराम और प्यार से फिशेस की सफाई की, कटाई की, तो बस इस ये मेरा लास्ट काम था। इसके बाद जो मैं लास्ट सेक्शन में जाऊंगी वो मैंने लेनी है जी उमेर की मेडिसिन, क्योंकि मैं 2-3 मंथ्स का मेरी कोशिश होती है स्टॉक रखूँ। समटाइम ये होता है कोई शॉर्ट हो गया फिर वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। और वैसे भी आजकल मोस्टली सब लोग घरों में कोई ना कोई डायबिटिक है, कोई कुछ है, तो जो भी अगर ये वीडियो देख के भी आप अगर मेडिसिन लेना चाहते हो तो इम्तियाज में जाके ले सकते हैं। क्योंकि मुझे खुद थोड़ी देर पहले आइडिया हुआ है कि वहाँ पे 12% ऑफ मिलता है, जो कि अभी कोई लोकल फार्मेसीज पे कहीं पे भी नहीं ऑफ दे रहे, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 2-3 महीने की अलग वो दवाइयाँ ख़रीद के रखते हो। तो बस मैं आती, वैसे मेन मेरा काम यही होता है, इम्तियाज जाने का पर्पज़ यही होता है अच्छा उमैर की दवाइयाँ ख़रीद ले, और उसके साथ सारी ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार होती है। तो बस इसके बाद मैंने उमैर की दवाइयाँ ख़रीदी थी वहाँ से, वो सारी चीज़ें की। बस इसके बाद आराम सुकून से मैंने अपना सारा बिल पे किया और बहुत ही आराम से, लाइक रश नहीं था। जल्दी जाने का ये फ़ायदा है कि आप बड़े आराम से अपने सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम सुकून और शांति। बस वापस आई हूँ तो आते ही मैंने असर पड़ी, मगरी पड़ी, और उसके बाद फिर ऐसी भूख लगी कि वेट ही नहीं हो रहा था। तो बस हम लोगों ने डिसाइड किया
ऑलरेडी बात कर रहे थे कि छाछ पकाना नहीं है, छुट्टी करनी है, तो हम लोग चले गए मालीज़। अच्छा। क्योंकि मालीज़ की जब से न्यू ब्रांच ओपन हुई है मैंने विज़िट नहीं किया, पुरानी पे तो मैं बहुत जाती थी, बिफ़ोर कोविड की बात है, तब हम लोगों ने बहुत मालीज़ कैफ़े का खाना खाया था और बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद मैं लाहौर चली गई, इतना लंबा गैप आ गया, मेन्यू वही सेम है सारा एज़ इट इज़, सारी जस्ट उन्होंने जगह चेंज किया है सारी चीज़ें, और अभी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं थी, लेकिन अब हम चले गए थे तो फिर ठीक है। बस फिर आप देख सकते हैं बच्चों का हाल, इंतज़ार करते हुए हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया, किसी को ये खाना किसी को ये खाना, तो सबसे पूछ के उनकी मर्ज़ी का मीडियम में वो करते हैं, स्पाइसी पिज़्ज़ा मीडियम में, सॉरी क्रीमी पिज़्ज़ा, ठीक है। और एक ये जो आपका प्लेटर है मैं बारबेक्यू में, मैं बारबेक्यू में क्यों, इतनी मुश्किल से हमने सोचा था, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, तो अच्छा हमने इतना टाइम, चले पहले तो आधा घंटा लगा के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है, और उसके बाद ही पता चला अभी बारबेक्यू के ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन लास्ट सीन आपको नहीं मिल सकेगा क्योंकि जैसे ही खाना आया था हमें इतनी भूख लगी थी कि मैंने एक भी क्लिप नहीं लिया, बस हम टूट पड़े खाने पर। मैंने सब आप ही डाल दिया, इधर या इधर, चल अब इधर दिखा इसमें कौन कौन सी हैं। हाँ जी नवाब, नहीं नहीं वाइट तो मुझे खुद को भी नहीं। उमेर राजस्थानी है, चिकन हांडी है, अचारी, ग्रीन चिली लेमन है, जिंजर जलफ्रेदी और ढाबा। ग्रीन चिली लेमन ट्राई कर ले, चले ग्रीन चिली लेमन। खाने का टेस्ट भी अच्छा था और इनका ग्रीन चिली लेमन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छा बना हुआ था, और वैसे भी फ्रेश फ्रेश खाना था और भूख थी तो बड़ा मज़ा आया। पिज्ज़ाज भी काफ़ी फ्रेश थे, मज़े के थे, लेकिन जो सही सुकून था ना, लिटरली मैं इनकी ब्रांच में मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया, मुझे तो इनका डिकोर, ये सारी चीज़ें, एम्बियंस इतना मज़े का लग रहा था। और एक हमारा रहता हुआ बच्चा, और आपको पता है जहाँ पे बच्चे हों तीनों और भी मिलकर कोई मसला ना हो, माहिर को ताज़ी ताज़ी चोट लगी थी और उसको ये इधर टेंशन हो रही थी, मामा मेरा क्या बनेगा, मेरे बाजू का क्या होगा, ये फिक्र। तो ये था आज का मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। हमारा उमेर टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।